दिल्ली, जिसे लेकर कभी देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये शहर अनेक साम्राज्यों की कब्र रहा और फिर एक गणराज्य की नर्सरी बना। फिर बहुत बरस बाद देश को एक नाजुक शायर मिले, बशीर बद्र साहब। उन्होंने बड़ी बेरुखी से लिखा कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। खैर, ये तो हो गई पुरानी दिल्ली की पुरानी बात। अब आपको नई दिल्ली की नई बात बताते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार और केजरीवाल के बीच बीते कई वर्षों से कई मामलों में अधिकारों को लेकर गृहयुद्ध जारी था। प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार गहराता जा रहा था। केंद्र सरकार का तर्क होता था कि चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है, इसलिए प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र का ही नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें नियुक्तियों या स्थानांतरण के काम को देखने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास हो। जबकि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार का कहना था कि संघवाद के हित में निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली पुलिस के स्थानांतरण और नियुक्ति की शक्ति होनी चाहिए, जिसकी शक्ति अब तक केंद्र यानी भाजपा के पास रही है। केंद्र यानी भाजपा सरकार अपने अनुसार दिल्ली पुलिस को नियंत्रित करती है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार चल रही इस द्वंद्व पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का विशेष प्रकार का दर्जा है। एक महत्वपूर्ण बात और है, अपने फैसले में न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश अशोक भूषण के साल 2019 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें न्यायाधीश अशोक भूषण ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। संविधान की अनुसूची 1 के तहत दिल्ली का दर्जा एक केंद्र शासित प्रदेश का है, किंतु अनुच्छेद 239(a)(a) के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार व राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर भारत के संविधान में 69वें संशोधन किया गया था। 69वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239(a)(a) को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली LG द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश होगा और जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करेगी। हालांकि सहायता और सलाह खंड केवल उन मामलों से संबंधित है जिन पर निर्वाचित विधानसभा को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि के अपवाद के साथ राज्य और सीमावर्ती सूची के तहत शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239(a)(a) यह भी कहता है कि LG को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा अथवा वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही संविधान के 69वें संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 239(a)(a) जोड़ा गया था, उसमें एक महत्वपूर्ण बात भी कही गई। कहा गया कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद होने पर LG मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। खैर, अब इस पूरे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने जनतंत्र की जीत बताई है। इस बाबत उन्होंने 15 मिनट 4 सेकंड की प्रेस वार्ता भी की। पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों की जीत हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई मायनों में ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से, यानी कल उन्होंने ये बात कही कि आज से 8 साल पहले सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदेश पारित करवाया था कि दिल्ली की सर्विसेज के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं होंगे, वो LG के पास ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद CM केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्द दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफर या पोस्टिंग किए जाएंगे। जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं, उन्हें हटाया जाए, उन्हें बदला जाएगा। लेकिन जो अधिकारी ईमानदार और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा
और उन्हें बड़े पदों पर लाया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ अगर आप हमारे नए दर्शक, नए श्रोता, नए पाठक हैं तो हम इंतहाई अदब के साथ दरखास्त गुजार हैं कि आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।